हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशा शर्मा, मैं ओरिफ्लेम में डायरेक्टर हूँ और आज मैं आपके साथ अपना ओरिफ्लेम के वेलनेस प्रोडक्ट्स से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मुझे ओरिफ्लेम के वेलनेस प्रोडक्ट्स से फ़ायदे मिले और कैसे इन्होंने मुझे मतलब हेल्दी बनाया है, जो कि मुझे हेल्थ इश्यूज जो भी थे उन सब इश्यूज से मुझे छुटकारा मिला है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले हमारे ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल्स। ये फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं, हालांकि नॉन वेज हैं, मैं मानती हूँ, मैं भी नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं खाती, बट फॉर द सेक ऑफ हेल्थ इश्यूज़ मुझे ये लेने पड़े हैं और इसके मुझे काफ़ी अच्छे फ़ायदे नज़र आए। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इससे जॉइंट पेन में मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। 2 साल पहले मुझे चिकनगुनिया हो गया था, मेरा जॉइंट पेन किसी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। मुझे जैसे ही मैं सुबह उठती, मेरे को पैरों से चला नहीं जाता था, मेरी उंगलियों में जॉइंट्स में पेन होता होने लगा था ड्यू टू चिकनगुनिया। तो फिर मैंने फिश ऑयल कैप्सूल्स लेने शुरू किए हमारे ओमेगा 3 वेलनेस के, ओरिफ्लेम के। तो इससे मुझे विद इन अ वीक मुझे फ़र्क लगना शुरू हुआ और एक महीने के अंदर अंदर मेरा पूरा पेन जो इतने टाइम से ठीक नहीं हो रहा था वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। और दूसरा इसका फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोल हुआ है इससे, और मेरा हेयर फॉल जो काफ़ी टाइम से रुक नहीं रहा था तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। मेरे हेयर काफ़ी शाइनी भी हुए हैं, हेल्दी भी हुए हैं, और इससे मेरी हार्ट बीट जो कि पहले बढ़ जाती थी और अब वो नहीं बढ़ती है। पहले काफ़ी स्ट्रेस की वजह से मैं काफ़ी एंजाइटी फील करती थी, मेरे को काफ़ी स्ट्रेस हो जाती थी, लेकिन अब मुझे वो स्ट्रेस नहीं होती। इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेस बस्टर, तो मेरे लिए तो ये स्ट्रेस बस्टर है। तो क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे बड़ी ज़रूरत हमें कि मेंटल पीस, तो इसने मुझे वो मेंटल पीस दी है, मैं अपनी टर्म्स में बताना चाहूँगी तो। और दूसरा इसमें इसने मेरे बीपी को भी कंट्रोल किया है, मेरे जॉइंट्स पेन को ठीक किया, मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल किया है, मेंटल स्ट्रेस को बर्स्ट किया है, मेंटल पीस मुझे दी, एंग्जाइटी को ख़त्म किया है। अब मैं हर किसी प्रॉब्लम का बड़ी ईजीली सॉर्ट आउट कर पाती हूँ और मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती है। टेंशन आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बट बड़ी इजीली मैं उनको सॉर्ट आउट कर पाती हूँ विदाउट एनी स्ट्रेस। तो आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे वेलनेस शेक के बारे में। ये हमारा वेलनेस शेक है, इसमें 3 फ्लेवर्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो बनाना एंड वनीला। तो मैं दोनों ही ट्राई कर चुकी हूँ, स्ट्रॉबेरी भी अच्छा लगता है, मैंगो बनाना भी अच्छा लगता है, एज़ पर योर टेस्ट आप कोई भी ले सकते हो, बट अभी इस दिस टाइम आई एम टेकिंग मैंगो बनाना। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया बट आई जस्ट लव दिस फ्लेवर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी लिया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पर फ्लेवर से कहीं ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके जो मुझे फ़ायदे मिले हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगा कि मैं पूरा दिन हेल्दी फील करती हूँ, मेरा मतलब पूरा दिन जो होते कि लाइक अ क्लॉक मैं ऐसे घूमती रहती हूँ सारा दिन, तो बट स्टिल इसने मुझे वो एनर्जी दी है कि मैं विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी थकान, मैं सारा दिन अपना घर का, बच्चों का, फैमिली का और अपने ऑफिस का सबसे बड़ी बात काम कर पाती हूँ। तो मेरी पूरी जॉब जिसको आप बोले कि 9 to, मैं सुबह 7 o'clock से स्टार्ट होती हूँ, रात के 12:30 बजे तक आई एम वर्किंग, तो 16 to 17 hours मैं पूरे दिन में वर्किंग होती, तो इस ओरिफ्लेम के वेलनेस शेक ने मुझे वो ताकत दी है ताकि मैं अपने आप को हेल्दी बना सकूँ, एनर्जेटिक बना सकूँ और विदाउट एनी फटीक मैं सारा दिन काम कर पाऊँ और अपने बच्चों को उनका अपना 100% दे पाऊँ और अपने ऑफिस के काम को भी, तो ओरिफ्लेम को भी। और दूसरी बात इससे ये है कि मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को ये दिया तो उन्होंने मुझे रिव्यूज़ जो दिए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उनको काफ़ी क्लाइंट्स को PCOD की जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है, क्योंकि PCOD बेसिकली एक सिंड्रोम होता है हमारा ओवरी का, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते, तो उस सिंड्रोम में भी इसको और वेलनेस शेक ने उनको काफ़ी हेल्प किया है। और उसके बाद इसने मेरी हंगर क्रेविंग को ख़त्म किया है, हंगर क्रेविंग ख़त्म होने से मेरा अब जंक फूड खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो बहुत अच्छी बात है। जंक फूड नहीं खाऊंगी तो हेल्दी फूड खाती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है और सारा दिन मतलब वो हैवी सा नहीं लगता है, ठीक है। और तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगी कि हम देखो इंश्योरेंस भी लेते हैं और इंश्योरेंस में हम EMI देते हैं, हर महीने देते हैं, तो क्यों ना हम इन वेलनेस प्रोडक्ट्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं। अगर हम वेलनेस प्रोडक्ट्स पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं तो ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी हमारा माइंड हेल्दी नहीं हो सकता। हम उस इन्वेस्टमेंट का हम कहीं और इन्वेस्ट करके अगर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं या मनी अर्न करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा, राइट। जब तक हमारी हेल्थी हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, हम जो भी वेल्थ अर्न करेंगे, तो सबसे पहले आप हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, जो कि ये वेलनेस प्रोडक्ट आपको उसमें बहुत 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 हेल्प करेंगे। अभी आपको शायद लॉन्ग शॉर्ट टर्म में आपको इसके फ़ायदे ना नजर आए।